मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पूर्व सैनिक कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये पूर्व सैनिक मुंबई से फ्लाइट से नागपुर आया था और वहां से अपनी 2 साल की बेटी के साथ बाइक से बैतूल अपने गांव आया था। ट्रेवल हिस्ट्री सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एयरलाइंस को इसकी सूचना भेज दी है, जिससे उनके साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेस किया जाए कि कोई प्रभावित तो नहीं हुआ। बताया जा रहा है बैतूल के ग्राम लापाझिरी में एक पूर्व सैनिक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व सैनिक 17 जून को अपनी 2 वर्षीय बेटी के साथ मुंबई से गो एयर एयरलाइंस की फ्लाइट से नागपुर और नागपुर से बाइक से बैतूल आया था। 22 जून को ही उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व सैनिक को बैतूल के खेड़ी के कोविड सेंटर में भर्ती किया गया है। साथ ही पूर्व सैनिक के परिवार के 5 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। पूर्व सैनिक की पत्नी मुंबई के दादर में ही रह रही है, इसलिए उसे मुंबई में ही क्वारंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग परिवार के लोगों के सैंपल लेने की तैयारी कर रहा है। CMHO डॉक्टर GC चौरसिया का कहना है कि पूर्व सैनिक मुंबई से फ्लाइट से नागपुर आया था और वहां से अपनी 2 साल की बेटी के साथ बाइक से बैतूल अपने गांव आया था। उसका सैंपल लिया गया था जो पॉजिटिव निकला है। इसकी सूचना विभाग को दे दी गई है, जिससे उसके साथ यात्रा करने वाले यात्री कोई प्रभावित ना हो। अगर कोई प्रभावित हो तो जल्दी ट्रेस करने के साथ सैंपल लेकर जाँच कराई जाए। बैतूल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है और इनमें से 38 मरीज ठीक हो गए हैं। वर्तमान में जिले में 11 एक्टिव केस है। पूर्व सैनिक का पॉजिटिव निकला है सर, इसकी क्या हिस्ट्री है सर पूरी? इसकी हिस्ट्री है कि ये व्यक्ति वहाँ मुंबई से आया था फ्लाइट से नागपुर, उसकी बेटी 2 साल की है उसको लेके आया, फिर वहाँ से नागपुर से मोटरसाइकिल से बैतूल आया और इसका सैंपल लिया गया था तो ये पॉजिटिव पाया गया। अब इसकी ट्रेवल हिस्ट्री में ज़्यादा बाकी ऐसे लोग तो नहीं है, लेकिन ये फ्लाइट में आया चूँकि मुंबई से वहाँ से नागपुर से, तो दोनों जगह विभाग के द्वारा इनको सूचना दे दी जा रही ताकि अगर इसके साथ में ट्रेवल करने वाले लोग जो हैं कोई मतलब प्रभावित ना हों, अगर हुए हों तो उनको जल्दी से ट्रैक करके उनके सैंपल वगैरह लेके उनकी भी जाँच कराई जा सके। वो सूचना जो है इनका आदान प्रदान नियमित रूप से होते रहता है हमारे यहाँ से और सभी जगह सूचना दे दी जाए। सर पूरे जिले की क्या स्थिति है सर? पूरे जिले की स्थिति यह है कि अब अभी तक मिला के 49 केसेस अपने ज़िले में आ चुके हैं, उसमें से डिस्चार्ज भी होते जा रहे हैं, कुल 10 केस के आसपास जो है 10-11 केस जो है ये बचे हुए हैं अभी अपने एक्टिव केस हैं। बाकी सभी केसेस में सुधार हो गया है। 2 केस जो थे उनकी स्थिति ठीक नहीं थी तो यहाँ से भोपाल भेजा गया था, उनमें भी सुधार हो गया है, अभी मतलब वो खतरे से बाहर है और उम्मीद है कि वो जल्दी से वहाँ से वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। बाकी सबसे बड़े जो उपलब्धि ये है कि अभी अपने यहाँ लोकल स्प्रेड नहीं हुआ, यानी यहाँ पर जो भी आ रहे हैं ज़्यादातर लोग बाहर से आने वाले प्रभावित मिले हैं या फिर उनके संपर्क में आए 1-2 लोग मिले हैं पॉजिटिव, बाकी ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर से आने वाले पॉजिटिव मिले, इसलिए लोकल स्प्रेड रोकने में विभाग और प्रशासन जो है वो सक्सेस रहा, सफल रहा है।